कबाड़ से छुटकारा इतनी जल्दी तो मिलने वाला है नहीं। इससे निपटने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज ढूंढने ही पड़ेंगे। तो मेरी मानिए, सबसे पहले अपने दिल के दरवाजे एकदम से क्लोज कर लीजिए, ऐसे कि कोई नॉक भी ना कर पाए। तो अब आप एकदम से तैयार हैं डीक्लटरिंग वॉर जोन में उतरने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्ते, मेरा नाम है नीतू एंड यू आर वॉचिंग इट्स होमली हैबिट। फेस्टिव रेडी घर के लिए क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, बट इसमें हम एक चीज मिस कर देते हैं, वो है डीक्लटरिंग, जिसके बिना क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टली काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है पहले से एग्जिस्टिंग सामान की देखभाल एंड सॉर्टिंग करना। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अब वैसे तो किचन हर घर की धड़कन होती है, और यहाँ पर हम जो भी चीज़ें रखते हैं वो सोच समझ कर ही रखते हैं कि कौन सी चीज़ कन्वीनियंट है। पर उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनवांटेड लगने लगती हैं या हमारे काम की नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने किचन को ना तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऊपर का लॉफ्ट, मिडिल कैबिनेट और सबसे नीचे वाले कैबिनेट्स। इसी के हिसाब से मैं किचन की डीक्लटरिंग करूंगी। और एक मैं ना इस तरह का बड़ा सा टब उठाकर लाई हूं, जिससे जो भी अनवांटेड चीजें निकल रही हैं, खराब चीजें निकल रही हैं, उन सबको मैं इसमें कलेक्ट करती जाऊंगी। तो ये वाला जो ड्रॉर है, मैंने इसी से शुरुआत करी है। इससे पहले मैंने काउंटर टॉप को पूरा ही क्लियर कर लिया था। सुबह का जो भी खाना, ब्रेकफास्ट या लंच दोपहर के लिए बनाना था, वो सारा ही रेडी करके रख दिया है। अब काउंटर टॉप क्लियर करने से वहां पर हमें जो जरूरत पड़ेगी स्पेस की, वो अच्छे से अवेलेबल रहेगा। सारी चीजों को मैंने इस ड्रॉर के अंदर से निकाल लिया है। इसमें बेसिकली मेरे जितने भी ये करछुल, पलटा, छलनी, चम्मच, इस तरह की चीजें ही रहती हैं। ये वाली आप छलनी देख रहे हो, इसको मैं रखे हुए थी इमरजेंसी में काम आ जाए, पर ये खराब हो चुकी है, तो आज मैं इसे निकालने वाली हूँ। इस तरह की जो वुडन आप करछुल पलटा लेते हो, ये भी टाइम के साथ खराब हो जाते हैं। तो लगभग 2 साल पहले मैंने इनको परचेज करा था। चीजों की कंडीशन भी खराब हो गई है, और थोड़ा बहुत ना लगता है कि ये चीज़ काम की नहीं है। अब ये वाली छलनी ही आप देख लो, इसका हैंडल इधर से टूट गया था, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर खुद से ही रिपेयरिंग करने की कोशिश करी, और यहाँ पर ना इसकी जो लकड़ी है वो निकलने लगी है, तो धोने के टाइम पे इसमें रेशे वगैरह फंस जाते हैं, तो ये भी मैं डिस्कार्ड करूँगी। जो भी चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं इसमें, वही मैं उठा उठा के रखूंगी। और जो भी चीज़ें लग रहा है, जैसे ये वाला है एक प्लास्टिक का जो नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है जब से मैंने परचेज करी, पर इसके ओपनर की वजह से मैं रखे हुए थी कि बॉटल ओपनर इसमें दिया हुआ है, बट फाइनली आज मैं इसे भी हटाऊंगी। जितनी भी प्लास्टिक की छोटी छोटी स्पून है, वो सारी भी मैंने डिस्कार्ड कर दी। और इस तरह का ये वाला जो आप देखिए लकड़ी का पलटा, इसमें भी कीड़े लग चुके हैं, पता नहीं कैसे, जबकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ फिर भी लग गए। और ये वाली जो छलनी है, ये टूट गई थी, तो घर पर ही एल्युमिनियम वायर से मैंने इसको लपेट दिया था, बट वो भी थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगता है, उसे भी मैं डिस्कार्ड करूँगी। अब मेरे पास ना 2 सेट इस तरह के हैं, जो फॉर्क या कांटे की चम्मच होती हैं उनके। तो ये वाला सेट है थोड़ी सी थिक क्वालिटी की स्टील है, और ये अच्छा भी रहता है, जबकि दूसरा वाला बिल्कुल पतला है और एक दो बार लग भी चुका है खाने के टाइम पे, तो जो पतला वाला है इसे मैं डिस्कार्ड करूंगी। आप भी कोशिश करिए इस तरह के पतले वाले बिल्कुल भी मत परचेज करिएगा कभी भी। अभी आप देख रहे हो ना, सामने से ही टूटा हुआ ये चमचा भी निकला है, जो मतलब पूरा ही मैसी हो रखा था ड्रॉअर, और उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी चीज ठीक है कौन सी नहीं। एक ये मेरे पास इस तरह का बटर नाइफ है, अच्छी कंडीशन में, काम अच्छा कर रहा है, पर हैंडल थोड़ा सा खराब हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा DIY करके इसको नया बना लूंगी, तो इसे मैं रखने वाली हूँ। अब सेम इसी तरीके से मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर या बीटर है, अच्छी कंडीशन में है, मेरी शादी से पहले का ही मेरे हस्बैंड के पास था, अच्छे से काम करता है, बट इसके जो ऊपर का प्लास्टिक वाला पोर्शन है, यहाँ का कलर एकदम से फेड हो गया है, डार्क ब्लू था और अभी बिल्कुल ही लाइट ब्लू हो गया है, तो इसे भी मैं रखूंगी क्योंकि ये मेरे काम का ही है। अब जब सॉर्टिंग करी मैंने, उसके बाद जो टोटल काम की चीजें मेरे पास निकली वो ये हैं। इतनी ही चीजें सफिशियंट हैं, बहुत सारी चीजें जो मैंने डिस्कार्ड करी खराब हो गई, उनको मैं यूज भी नहीं कर रही। आज फाइनली मुझे पता चला कि कितनी चीजें इनमें से मेरे काम की हैं, और इन सबको अब मैं अपने ड्रॉअर के अंदर अच्छे से मैंने इसकी क्लीनिंग भी कर दी है, ऑर्गेनाइज कर दूंगी। अब आप देखना इसमें ना स्पेस भी काफी अच्छे से नजर आएगा, जो सामान रखा है वो भी काफी अच्छे से विजिबल है, भरा हुआ नजर नहीं आएगा, और जो जरूरत का सामान है सिर्फ वही इसमें अवेलेबल है।
जब भी हम इस तरह की कोई साफ सफाई या डीक्लटरिंग प्रोसेस को अपनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो चीज आपके काम की नहीं है और अच्छी कंडीशन में है आप उसे भी निकाल कर फेंक दो। बस जरूरत होती है अपने सारे ही सामान को अच्छे से देखने की, जो चीज ठीक है उसे रखो, जो खराब हो गई है उसे हटाओ और जो थोड़ी बहुत रिपेयर हो सकती है उसे रिपेयर करवा लो। यही है एक अच्छा डीक्लटरिंग प्रोसेस। इस तरह से आपकी क्लीनिंग प्रोसेस भी काफी अच्छे से हो जाती है। मैंने अपने सारे ही ड्रॉर्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो भी सामान है उसे वापस से अरेंज कर दिया। सामान फैला के नहीं रखना है। अब ये वाला पैन है, इसे साल में एक या दो बार मैं यूज करती हूँ, तो इसे मैं यहाँ से हटा दूंगी और यहाँ पर वही सामान रखूंगी जो डेली बेसिस पर मुझे यूज होता है। जैसे ये कास्ट आयरन का स्किलेट है, रोजाना रेगुलर बेसिस पे मैं इसे यूज करती हूँ। और इसी के साथ में एक ये स्टील वाला पैन है, ये भी मेरा रेगुलर बेसिस पर यूज होता है। अब इसमें जगह भी काफी खाली है और जो यूज करने वाली चीजें हैं वही मैंने रखी हैं। नीचे के ड्रॉअर में भी काफी सारी कढ़ाइयां हैं, कुकर हैं, जो सब्जियां छानने की चलनी वगैरह होती हैं वो हैं। यहाँ पर मैंने जब देखा ना तो ये नीचे बड़ा वाला जो कुकर है वो 5 लीटर का है। इसी से आप समझ सकते हो कि हम 4 लोगों में ये इस 5 लीटर के कुकर का क्या काम। और इसकी जो रबड़ है वो भी टूट गई है, तो इसे भी मैं यहाँ से हटाऊंगी। इसकी सीटी भी थोड़ी सी खराब हो गई है। इन चीजों को मुझे रिपेयरिंग में देना है, तो इन्हें निकाल कर मैं अलग रखूंगी जिससे मुझे आसानी रहे इसे ढूंढने में। और जो रेगुलर बेसिस पर ही सामान की जरूरत पड़ती है वही चीजें मैं यहाँ पर रखूंगी। तो इतने बर्तन यहाँ पर सफिशियंट है, उस कुकर का कोई काम नहीं था तो वो यहाँ से हट गया, जगह भी खाली हो गई और कन्वीनियंट भी रहेगा। कटोरियों में भी सिर्फ उतनी ही कटोरियां हैं जितनी हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर मुझे कोई डीक्लटरिंग नहीं करनी क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी हैं। नीचे प्लेट के सेक्शन में भी सारे ही सामान जो रेगुलर बेसिस पर यूज़ होते हैं वही हैं। टिफिन के लेट्स जो मैं यूज़ करती हूँ, थालियाँ, प्लेट, सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पर मुझे ढूंढने पर एक थाली मिली जो चटकी हुई थी। इस थाली को मैंने काफी टाइम पहले ही देख लिया था, एक बार इससे मेरा हाथ भी छिल गया था धोने के टाइम पर। मैंने सोचा आपको दिखाना जरूर है क्योंकि इससे आपको भी हेल्प मिलेगी। तो जब ये चटक गई है कॉर्नर से आप देख सकते हो इस तरह। ये बर्तन अगर कभी भी आपको मिलते हैं इस तरह के तो तुरंत के तुरंत हटा देने चाहिए। मैं भी यही प्रोसेस फॉलो करती हूँ, पर आज दिखाने के लिए मैंने आपको इसे रखा हुआ था। तो सारी चीजें ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं हटाया, बस जो टूटी हुई प्लेट थी बस वही हटाई है। तो यही है एक अच्छी डीक्लटरिंग। जो खराब चीज है, जैसे यहाँ पर कितने सारे प्लास्टिक के वेस्ट बॉक्सेस हैं, मिठाई के डब्बे हैं, इस तरह की जूस की, कोल्ड ड्रिंक्स की जो भी बॉटल्स हैं, इन्हें मैं तुरंत के तुरंत निकाल देती हूँ। पर फिर भी काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई हैं। और एक ये देखिए ख़राब हो गया था प्लास्टिक का डब्बा, तो मैंने उसका DIY करके स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो उन्हें आप रखो, जिनको यूज़ नहीं कर सकते हो या जो यूज़ में नहीं आने वाली हैं, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है तो इनको आसानी से हम निकाल सकते हैं। और इससे कहीं भी संभाल के किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। कबाड़ वाला आता है, आप उसको दे सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं लोग उनको दे सकते हैं, वो आसानी से जाके कबाड़ में दे देंगे, उनको भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे। और आपके घर में तो ये वेस्ट पड़े हुए ही थे। प्लास्टिक बैग भी मैंने इकट्ठी कर ली थी कि कभी ज़रूरत में काम आ जाएंगी। आटा के ये प्लास्टिक के बैग हैं, इनको भी रखा था DIY के लिए, पर मैंने इनसे कुछ किया नहीं तो ये वेस्ट है मेरे लिए एकदम से। सो आज मैंने सारी ही चीज़ों को खाली कर दिया, काफ़ी स्पेस भी हो गया, मन को सुकून भी मिला, इन चीज़ों की बार बार देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। हाजमोला की इस तरह की जो भी डब्बियाँ मैं यूज़ करती हूँ अपनी किचन में, कुछ ऐसी डब्बियाँ भी मिली जिनके लिड एकदम से फ्री हो गए थे, टाइट ही नहीं हो रहे थे। जो भी चीज़ें इस तरह की अगर मिलती हैं उन्हें भी हटा दीजिए क्योंकि इनका भी अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। एक बार मैंने ऊपर के सारे ही कैबिनेट्स खोल के देख लिए, यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की कोई डीक्लटरिंग प्रोसेस नहीं करनी है क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी कंडीशन में है। सिर्फ फैशन के चक्कर में या ट्रेंड के चक्कर में मैं इन चीज़ों को हटाकर अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगी नए चीज़ों को परचेज करने में। ये अच्छा काम कर रही हैं तो इनको रखूंगी। अब चॉपिंग बोर्ड्स को ही ले लीजिए, मेरे पास 3 चॉपिंग बोर्ड हैं। अब आप सोचोगे 3 का क्या करती होगी, गोल वाला जो है उस पे मैं रोटियां बेलती हूँ, तो अलग से मैंने चकला परचेज नहीं करा है। छोटे वाले पर मैं सब्जियां ज़्यादातर कट करती हूँ, बड़े वाले को भी कभी कभी यूज़ में लिया जाता है, पर ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है तो ज़्यादातर टाइम मैं इसको यहाँ पर कुछ वायर्स को हाइड करने के लिए यूज़ करती हूँ। पर हाँ, ये भी काम में आता है, तो जब ज़्यादा चीज़ें कट करनी होती हैं तो मैं इसे यूज़ करती हूँ।
अब जैसे कि मेरे पास ये एक रोटेटिंग ट्रे है, इस तरह की मेरे पास दो तीन हैं, तो अलग अलग जगह पर मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो ये मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इसे रखूँगी। और ये वाला जो एक ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर, एक्चुअली ये एक फूड प्रोसेसर है, काफ़ी टाइम से ख़राब रखा हुआ था, इसके जार भी ख़राब हो गए हैं, एकदम से फ्री हो गए हैं, और अगर इसमें फ़िक्स करो ना तो फिक्स हो जाने के बाद निकलते ही नहीं, इस तरह से फिक्स हो जाते हैं, पता नहीं किस तरह की प्रॉब्लम आई है इसमें, हर चीज़ लगभग इसकी ख़राब हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ ना इसको थोड़ा सा रिपेयर कराऊँ, या ठीक से रिपेयर हो जाए उसके बाद मैं किसी को दे दूं, क्योंकि मेरे पास इसका कोई काम नहीं है और लगभग काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ है। ये ऑयल डिस्पेंसर मैंने अमेजोन से परचेज करे थे, इनके जो ऊपर का पार्ट था वो ख़राब हो गया, तो ये भी रखे हुए थे, इनको भी मैंने निकाल के अलग रखा है, और इनके जो ऊपर वाला नोजल होता है वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, आ जाएंगे तो ये भी यूज़ में आ जाएंगे, तो इन्हें भी मैं साइड में रखूँगी, क्योंकि ये रीयूज़ हो सकते हैं, तो इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुकटॉप के ऊपर मैंने कुछ ऐसी डेकोरेशन की थी, जो खाना वगैरह बनाने के बाद काफ़ी सारा ऑयल डिपॉजिट इनके ऊपर हो जाता है, तो ये भी ख़राब हो चुकी है, सो इस बार मैं इसको भी हटा दूँगी, कुछ नया डीआईवाई बनाऊँगी। और डोर के पीछे ना मैंने हुक लगाकर इस तरह का एक मल्टी हैंगर यूज़ करा है, जिसमें काफ़ी सारे हुक दिए हुए हैं, और कई सारे आप देख रहे हो यहाँ पर बैग और शॉपिंग बैग और एप्रन वगैरह इकट्ठी हो गई। ये हैंगर भी उतना वर्सिटाइल नहीं है, क्योंकि इस पे साइड में अगर वेट हो जाए ना तो इधर उधर हिलने डुलने लगता है, सो मैंने उसे हटा दिया और एक बैग में ही सारे बैग शॉपिंग बैग रख दिए और इसे एक ही हुक में लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना सारा किचन में कबाड़ भरा हुआ था, अभी तक जो चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही थी वो एकदम से इस कंडीशन में नज़र आई हैं, तो इसे आसानी से फेंक सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने ऊपर लॉफ्ट वाली चीज़ों को निकालना प्रेफर किया, नीचे की सारी चीज़ें कंप्लीट क्लियर हो चुकी हैं, तो अब इन चीज़ों को निकालेंगे तो ज़्यादा फैलाव नज़र नहीं आएगा किचन में। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गिफ्ट में मिली हुई हैं, कंडीशन भी अच्छी है, मैंने खोल खोल कर देखा किसमें क्या रखा है, सही से रखा है या नहीं, उसके बाद वापस से इन्हीं डब्बों के अंदर मैंने इन्हें पैक कर दिया। अब ये चीज़ें तो हम डीक्लटरिंग में निकाल कर ऐसे ही नहीं दे सकते, किसी को ना ही डोनेट कर सकते हैं और ना ही फेंक सकते हैं, तो इनको मैं रखूँगी, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है किसी को हमें भी गिफ्ट देना पड़े, तो हम आसानी से इन चीज़ों को गिफ्टिंग के तौर पर दे पाएँ किसी को, तो इससे भी काफ़ी सारे पैसे भी सेव हो जाते हैं। चीज़ें जब आपके पास अवेलेबल होती हैं तो उन्हें थोड़ा सा संभाल कर रखना होता है, हाँ बीच बीच में आप एक बार देख सकते हैं कि वो सही से रखी हैं या नहीं। उसके बाद कई सारे कार्टन्स ऐसे मिले मुझे इनमें जो बिल्कुल खाली थे, इनका सामान मैं यूज़ कर रही हूँ डे टू डे लाइफ में, पर ये खाली ऐसे ही रखे हुए हैं। और ये वाला जो कार्टन देख रहे हो इसमें भी एकदम से वेस्ट सामान ही है, लगभग 5-6 साल हो गए होंगे और इसमें से मैंने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करी है, इसी तरह से रखा हुआ है। कुछ टूटा फूटा पित्तल का सामान था वो भी इसके अंदर रखा हुआ था, तो इन्हें मैं निकालूंगी, देखती हूँ कहीं एक्सचेंज ऑफर में मुझे चीज़ें नहीं मिल जाए इनको देकर, तो वो मैं कर लूँगी अभी। और जो भी इस तरह के जो फूड प्रोसेसर से रिलेटेड चीज़ें थी वो इसके अंदर थी, काफ़ी सारी ऐसे मुझे बर्तन का स्टैंड का भी सामान मिला जो पहले मैं यूज़ करती थी पर अब यूज़ नहीं कर रही हूँ, और एकदम से टूटी हुई चीज़ें भी कुछ इसके अंदर रखी थी, तो ये पूरा ही बॉक्स निकाल कर मैंने नीचे ही रख दिया है, जिससे आसानी से मैं इसे किसी को दे सकूँ या डिस्कार्ड कर दूँ या कबाड़ में बेच दूँ, जैसा भी होगा मैं आगे करूँगी ज़रूर। उसके बाद एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा था जिसमें बर्थडे वगैरह की डेकोरेशन वगैरह जो भी होती है उससे रिलेटेड सामान था, कुछ ऐसे खाली कार्डबोर्ड के डब्बे भी इसके अंदर पड़े हुए थे, तो इसको भी मैंने निकाल के हटा दिया है। लॉफ्ट के ऊपर भी काफ़ी सारा स्पेस हो गया है और जो चीज़ें वापस से रखनी थी उनको भी मैंने अच्छे से रख दिया, तो यहाँ की क्लीनिंग वगैरह भी अच्छे से मैंने कर दी थी, अब यहाँ पे भी थोड़ी सी साफ सफाई और थोड़ा सा स्पेस नज़र आने लगा है। अब कई बार होता है ना कि हम कहीं भी ट्रांसफ़र होता है या कहीं घर बदलते हैं तो ऐसे बॉक्सेस के अंदर सामान बहुत टाइम से रखा रहता है, मेरे पास भी रखा हुआ था, बहुत टाइम से इसके ऊपर नज़र नहीं गई थी, पर आज जब खोल कर देखा तो ये देखिए कप का जो भी डब्बा है वो कैसी कंडीशन में है, इसके सारे कप टूट के अलग हो चुके हैं पर डब्बा अभी भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये वाला बाउल्स का सेट भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, तो इस बार मैं ऐसे सोच रही हूँ निकाल लूँ, फ्रिज में सब्जियाँ वगैरह स्टोर करने के काम में आ जाएगा जब भी फूड वगैरह बच जाता है तो। और ये एक कप है जो पतिदेव को किसी ने गिफ्ट करा था,
उसके ऊपर काफ़ी अच्छी सी प्रिंटिंग वगैरह भी हो रखी है, तो इसको भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, कभी यूज़ में आ जाएगा। इससे पहले जब मैं जिस घर में रहती थी वहाँ पर मतलब अगल बगल के लोगों से काफ़ी आना जाना था, तो वहाँ पर इस तरह के जो भी कांच के बर्तन, क्रॉकरी आइटम, सारी चीज़ें यूज़ होती रहती थी, तो वहाँ मैंने इन सारी चीज़ों को बाहर निकाल के रखा था। कप्स के भी नए सेट हैं, बिल्कुल मतलब एक दो बारी यूज़ किए हुए होंगे, पर इनके डिज़ाइन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो जब भी कोई रिलेटिव वगैरह आना हो इस तरह से मैं यूज़ करती थी। पर इस वाले घर में आने के बाद मतलब ज़्यादा इस तरह का कुछ है नहीं यहाँ पर, यहाँ आना जाना हो या दूर तो घर से इतने रहते हैं कि रिलेटिव वगैरह भी बहुत कम साल में एक बार ही आते होंगे। सारी चीज़ें ना ऐसी पैक रखी रहती हैं। इस वाले कप के सेट में सिर्फ 3 कप ही रखे हुए हैं और डब्बा पूरा ऐसे भरा हुआ है, ऊपर का पार्ट ख़राब हो गया था तो मैंने एक बैग में भर के इसे रख दिया था। तो इन चीज़ों की वजह से इस कार्टन बॉक्स की कैसी हालत हुई है आप देख सकते हो, जो थर्माकोल वगैरह होता है ना वो थोड़ा सा निकल निकल के गिरता रहता है। इतना सारा इसमें से कबाड़ निकाला, जो इसमें सामान रखा था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि इस बड़े से डब्बे में रखा जाए, तो मैंने एक छोटा सा ही कार्टन बॉक्स ले लिया है और इसी में इन चीज़ों को रख दूंगी। जो भी फालतू का सामान है, टूटा फूटा सामान है या कंडीशन अच्छी नहीं है, इस तरह की चीज़ों को निकालना ही बेहतर होता है, क्योंकि उन चीज़ों को हम कब तक कैरी करके चलते रहेंगे। जब तक वो चीज़ें रहेंगी ना, उन्हें देखकर हमें रिग्रेट ही फील होगा कि ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है, पर वो कभी ना ठीक नहीं होता और हम उसको ऐसे ही रखे रहते हैं कि आज नहीं कल यूज़ हो जाएगा, कल नहीं परसों यूज़ हो जाएगा, हो सकता है आगे चलकर 1-2 साल में हम इसको यूज़ करें, पर कभी नहीं आप इसको यूज़ करोगे। जो चीज़ें यूज़ करने वाली है ना उसको तुरंत के तुरंत निकालिए, यूज़ करिए। जैसे मैंने ये बाउल का सेट निकाल लिया है, इसको मैं फ्रिज में जो वो लेफ्ट ओवर फूड वगैरह होता है उसको रखने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो इन चीज़ों को रखने का कोई मतलब नहीं है, आप यूज़ कर रहे हो तब तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ अगर यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत टूटा है या इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो आप या तो उनको करिए, अदरवाइज़ उन्हें हटाइए, नहीं तो आप कभी भी इस तरह से अपने घर को खाली नहीं कर पाओगे। सो आज इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें कर दी, जो भी कूड़ा वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सारी मैंने यहाँ से हटाई। उसके बाद ना मन को ही काफ़ी सुकून मिलता है, और कोई भी फेस्टिवल आए उस टाइम पर तो हम क्लीनिंग डीक्लटरिंग करते ही हैं। डेली बेसिस पर जब भी घर में कोई ख़राब चीज़ मिलती है, टूटी फूटी चीज़ मिलती है, तब भी तुरंत के तुरंत अगर उसको हटा देंगे तब भी इस तरह की चीज़ों में काफ़ी कमी आती है। कार्डबोर्ड के जो भी बॉक्सेस वगैरह हैं यहाँ पर देखिए कितना कबाड़ इकट्ठा हो गया, जो मेरे किचन में अभी तक भरा हुआ था। इसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि घर में कहां कहां पर कितनी सारी अनवांटेड चीजें इकट्ठी हुई होंगी। इन चीज़ों में से ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कूड़े या कबाड़ में फेंकने वाली ना हो। मैंने कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हटाई है, टूटी फूटी चीज़ थी वही दी है, जो भी डिस्कार्डेड आइटम थे इस तरह से फेंकने वाले उन्हीं चीज़ों को हटाया है, जिनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो मैंने अलग निकाल कर रख दिए हैं। आप इसे देख कर ही समझ सकते हो कि ये सारा कूड़ा कबाड़ा ही है जो सिर्फ गार्बेज में ही जाएगा या फिर रिसाइकिलिंग के लिए। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक सारी ही मैंने अलग रखी है, कार्डबोर्ड्स वगैरह भी अलग हैं। तो इस तरह से जब मैंने निकाला ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, चीज़ें निकालती रहती थी जो भी टूटा फूटा या ख़राब है, उसके बाद भी इतना सारा कबाड़ निकला है, आप देख ही सकते हो। सारी चीज़ों को मैंने एक ही डब्बे में कर दिया है, जिससे कबाड़ वाली या कूड़े वाली आए तो मैं उसको दे दूँ। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एंड बाय।